हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक के लिए यहां पर अगर आज आप देखोगे तो गिरावट का माहौल रहा, और आखिर ये माहौल है वो ऐसा क्यों रहा है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ के साथ जानेंगे कि आखिर यहाँ से टारगेट जो है वो इस पर्टिकुलर स्टॉक के कितने निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि 2-3 ब्रोकरेज हाउस ने यस बैंक को आफ्टर क्वार्टर रिजल्ट्स यहां पर कवर किया है और चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड सी हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर टारगेट क्या है, मेरा ओपिनियन क्या है, और अभी तक जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके कॉमेंट्स के अकॉर्डिंग उनका ओपिनियन क्या है वो भी हम लोग यहाँ पर इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए, सो डेट सारी चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आ जाए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा। जल्दी से मार्केट के बारे में जान लेते हैं। तो मार्केट में आज कोई बहुत बड़ी तेजी तो नहीं थी, लेकिन सेंसेक्स फिर भी आपको 100 पॉइंट से ज़्यादा का मूवमेंट दिखाते हुए नजर आया। निफ्टी 50 आपको 43 पॉइंट्स के साथ 22,648 पर क्लोजिंग देते हुए नजर आई। निफ्टी बैंक में हल्की सी गिरावट थी, लेकिन मिड कैप में 250 पॉइंट का अपसाइड था और 51,000 का जो है पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आज के दिन के टॉप गेनर की, तो REC में 9.5% के आसपास का मूवमेंट, रेमंड में 9% का, चोला इन्वेस्टमेंट में भी 9% का मूवमेंट है, और 8-9% का मूवमेंट के फिनटेक टैक में भी आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखते हो तो ये आज के दिन के टॉप गेनर रहे हैं। वहीं अगर आप टॉप लूज़र की बात करते हो तो वो निकल कर आते हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज़, एजिस लॉजिस्टिक्स, GM फाइनेंशियल्स, सुप्रीम इंडस्ट्रीज आज के दिन के टॉप गेनर हैं। टॉप लूज़र हैं। 5% से लेके 7% तक की गिरावट इन स्टॉक्स में है। आप मुझे कमेंट बताइए आपके पास कौन कौन से स्टॉक्स इस टाइम पर पोर्टफोलियो में हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर यस बैंक के बारे में। तो यस बैंक में आज के दिन अगर आप देखते हो तो 25.40 रुपये का जो क्लोजिंग है वो देखने को मिला। लगभग 3% के आसपास की गिरावट जो है वो शेयर में हो गई, और ये जो गिरावट है वो ऐसा नहीं है कि अचानक से मार्केट में हुई हो, ये ओपनिंग के टाइम से ही आपको गिरावट देखने को मिली। 26 रुपये पर ओपन हुआ था और वही आज के दिन का हाई भी था। शेयर जो है वो 27-28 के लेवल से फिर से 25 रुपये के लेवल के बीच में आ चुका है। तेज़ी बनी, उसके बाद गिरावट है, और यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो जैसे कि मैंने आपको बताया था वो इम्पैक्ट करती ही हैं, और वो इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा जो करती हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स को करती हैं। चाहे वो कितना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रह ले, लेकिन फिर भी अगर मार्केट में कॉन्टीन्यूसली एक ही माहौल बनाया जाएगा तो इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स पर ही पड़ता है। बात करें यहाँ पर आज के दिन के वॉल्यूम के बारे में, तो आप वॉल्यूम देख पा रहे होंगे 25 करोड़ का आज के दिन देखने को मिला है। एक दिन पहले 32 करोड़ का वॉल्यूम था, जिसमें 33.80 की डिलीवरी परसेंटेज थी। वहीं हफ्ते का एवरेज देखते हो तो 34 CR का है, और 27 करोड़ का वॉल्यूम आपको महीने का है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले महीने में 30% के आसपास की डिलीवरी परसेंटेज थी, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है यस बैंक के लिए। ओवरऑल अगर इन सारी चीज़ों को कंसीडर करने के बाद जो रिटर्न प्रोफाइल है वो कैसी है, तो वो भी मैंने आपके सामने रख दी है। वो आप यहाँ पर देखोगे तो 1 जनवरी से लेकर अभी तक 18-19% के रिटर्न्स हैं, लेकिन महीने एक हफ्ते का करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। एक महीने में 3.5% का मूवमेंट है, वहीं 3 महीने में 7.5%, 6 महीने में 60% यानी 60% के आसपास का मूवमेंट है, 1 साल में भी 60% के आसपास का मूवमेंट है, 2 साल में 84-85% के रिटर्न्स हैं, 3 साल में 75% के रिटर्न्स, और 5 साल में 85% के नेगेटिव रिटर्न्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखते हो तो रिटर्न प्रोफाइल जो है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से नज़र आती है। अब मैं सबसे पहले जो स्पेसिफिकली यस बैंक पर जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो कवरेज आई है वो दिखाता हूँ, उसके बाद स्पेसिफिक बैंकिंग की न्यूज़ यहाँ पर हम कवर करेंगे। नतीजे जारी करने के बाद ICICI सिक्योरिटीज़ ने यस बैंक को लेकर अपने निवेश की सलाह जो है वो जारी की है। ब्रोकरेज हाउस के मुताबिक यस बैंक के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं। बैंक की बैलेंस शीट मजबूत हुई है और लोन ग्रोथ भी अच्छी रही है। हालांकि ICICI सिक्योरिटीज़ के मुताबिक बैंक के वैल्यूएशन कुछ ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं। इस वैल्यूएशन को देखते हुए ICICI सिक्योरिटीज़ ने यहां पर सेल की रिकमेंडेशन दी है।
यानी कि जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करते हुए नज़र आए हैं वही सेम चीज़ यहाँ पर होते हुए नज़र आई है। सबसे पहले ये स्टार्ट किया कोटक इक्विटीज़ ने, कोटक इक्विटीज़ ने भी सेम चीज़ बोली कि सारी चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव हैं, लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ, कासा रेट, फिर अगर आप देखते हो तो प्रोविजंस, प्रॉफिटेबिलिटी, सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन वैल्यूएशन जो है वो अभी भी इसका हायर साइड पे नज़र आ रहा है, यानी कि 25 रुपये के आसपास भी अगर आप देखते हो तो वैल्यूएशन हाई है और 19 रुपये के आसपास की फेयर वैल्यू इनको नज़र आ रही है, जो कि पहले 16 रुपये नज़र आती थी और उससे पहले 13 रुपये नज़र आती थी। तो जब कोटक, ICICI सिक्योरिटीज़ और भी बाकी के जब ब्रोकरेज हाउसेस जैसे कि जीएम फाइनेंशियल्स ने भी यहाँ पर डाउनग्रेड की रेटिंग दी है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो चीज़ें ऐसी बनी हुई हैं कि जब ये सारी चीज़ें एक साथ होंगी तो रिटेल इन्वेस्टर कितना बचेगा। और मैं आपको बार बार रिटेल इन्वेस्टर्स इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जब माल उठाया जाएगा, आप जब बेचोगे तो कोई ना कोई तो खरीदेगा, और आप सभी को पता है जिस अकॉर्डिंग अभी तक चीज़ें चल रही हैं यस बैंक में, एक बार तो ऑलरेडी मॉर्गन स्टैनली की तरफ से ही खरीदारी हो चुकी है, जबकि कवरेज उनकी सेल की थी, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखते हो तो चीज़ें बहुत ज़्यादा टेक्निकल चल रही हैं, जो कि आप लोग अभी शायद नहीं उस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। आप यहाँ पर एक और रिपोर्ट देखो, यस बैंक का शेयर 41 रुपये तक भागेगा या फिर गिरकर 20 रुपये पर आएगा, पैसा लगाया है तो जान लीजिए एक्सपर्ट की। यहाँ पर आप देखो मार्च 2024 के जो रिजल्ट्स आए हैं उनमें ज़बरदस्त नतीजों के बाद भी जो ब्रोकरेज फर्म है उनको आशंका है कि शेयर में गिरावट आ सकती है, जबकि एक अन्य ब्रोकरेज फर्म इसमें तेज़ी की उम्मीद कर रहे हैं। यानी कि चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि यहाँ पर आपको या तो मैं बोल सकता हूँ कि डायरेक्टली ऑपरेटर का गेम चल रहा है, या फिर यहाँ पर यस बैंक को नीचे लाने की पूरी प्लानिंग जो है वो करी जा रही है। SBI कंसोर्टियम के बाद आपको यहाँ पर जो हिस्सेदारी वगैरह है वो सब नज़र आ रही है, और कैसे क्या कुछ रहा है उस पर हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और आप सभी को ये भी पता होगा कि अभी बीच में खबर आई थी कि SBI अपनी हिस्सेदारी जो है वो बेचने भी वाली है, तो अभी अगर आप देखते हो तो यहाँ पर कन्फर्मेशन तो कुछ नहीं निकल के आया, लेकिन RBI की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बाकी की ब्रोकरेज फर्म ने तो मैंने आपके सामने शेयर कराई है, लेकिन कुछ फर्म्स हैं जो कि यहाँ पर 41, 40 और 45 के टारगेट जो है वो देते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि बेहतरीन टारगेट जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब ये टोटली आपको यहाँ पर देखना होगा कि आपको किस पर बिलीव करना है किस पर नहीं, क्योंकि पहले भी ये चीज़ें सेम होती नज़र आ रही हैं, अदरवाइज़ हम लोगों को ये ट्रैक नहीं पता होता, ये ट्रेंड जो चलता है वो सेम हम लोग पहले से ही बता देते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं, तो वो आप यहाँ पर देख पाओगे। 13 रुपये पर हुआ करता था, 25-26 पर ट्रेड है, यानी कि डबल पर तो ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन जो राय है वो सेम बनी हुई है। तो टोटली आपकी कॉल रहने वाली है कि आपको कैसे करना है, मैंने यहाँ पे आपको खबरें बताकर अपना काम कर दिया है। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।